दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के नकलची छात्र आज भी सरकार द्वारा जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े जा रहे हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक छात्रों को छान लिया जाए और जितने भी नकलची हैं उनको अलग कर दिया जाए देखिए आज सभी समाचार पत्रों में खबर छपी है कि एसआई भर्ती फर्जीवाड़ा 27 मिनट में दे दिए एक प्रश्नों के सही जवाब दोस्तों जब यूपीएसआई का रिजल्ट आया था तो उस टाइम भी बहुत से छात्र ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने 20 मिनट और 25 मिनट में पूरा पेपर सही सॉल्व कर दिया था 160 में से एक प्रश्नों का सही जवाब देना ये पढ़ने वाले छात्र के तो बस की बात है नहीं कोई एलियन होगा वही कर सकता है या कोई अदर ग्रह का आदमी होगा जो दूसरे ग्रह पर रहता हो वही ऐसा काम कर सकता है कि भैया 158 क्वेश्चन का सही जवाब दे दे या फिर नकल के द्वारा ही ये पॉसिबल है ठीक है तो ऐसे बहुत छात्र दरोगा भर्ती में मिले थे फिर भी सरकार ने दरोगा भर्ती रद्द नहीं की कौन ये कह सकता है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द होगी इससे साफ साफ निष्कर्ष निकल सकता है देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूपीएसआई भर्ती का सब कुछ हो चुका है अब केवल और केवल जो है ट्रेनिंग पर छात्र जाने वाले हैं ठीक है और उम्मीद है कि जनवरी में ट्रेनिंग भी शुरू हो जाए लेकिन जांच एजेंसियां आज तक भी अपना काम कर रही हैं और जितने भी छात्र उनको गलत मिल रहे हैं उनको बाहर का रास्ता सरकार दिखा रही है ठीक है अब देखिए सभी अखबारों में खबर छपी है दरोगा भर्ती परीक्षा की धांधली में तीन लोग गिरफ्तार दोस्तों ये कल जो है तीन लोग गिरफ्तार हुए थे और आज दोस्तों खबर छपी है पंद्रह लाख रुपए देकर अभ्यर्थी हुआ था सफल देखिए केंद्र व्यवस्थापक समेत ग्यारह पर एफ दर्ज और पंद्रह लाख रुपए देकर सफल हुआ अभ्यर्थी देखिए हालांकि सरकार ये अब तक दावा कर रही थी कि हमने इस भर्ती को पूरा छान लिया है और इसमें जितने भी गलत छात्र थे वो सभी अलग कर लिए हैं तो इस बात से एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि सरकार का दावा हंड्रेड परसेंट सही नहीं है ठीक है हर छात्र हर गलत छात्र को अभी तक इस भर्ती से बाहर नहीं किया गया है ठीक है आज भी इस गलत भर्ती में कुछ गलत छात्र होंगे जो पैसे के बल पर नौकरी ले गए होंगे बस यह है कि सामने ना आए वो अलग बात है ठीक है दोस्तों ये आप देख सकते हैं एसआई भर्ती फर्जीवाड़े में ग्यारह और पर केस दर्ज और तीन गिरफ्तार अभ्यर्थी पंद्रह लाख लेकर गिरों ने पास कराई थी परीक्षा अभ्यर्थी से एस आई भर्ती परीक्षा दो हजार बीस इक्कीस में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है हुसैनगंज थाने में ग्यारह के खिलाफ केस दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है ठीक है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि रितेश को 7 मई 2022 को शारीरिक परीक्षा व अभिलेखों के परीक्षण के लिए बुलाया गया था रितेश शैक्षणिक दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर पहुंचा तो उसे मूल प्रति लेकर लाने को कहा गया इस पर वह हाईकोर्ट पहुंच गया बहुत बढ़िया वहां से आदेश पारित होने पर फोटोकॉपी के आधार पर रितेश को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया नियुक्ति पत्र के लिए गत तेरह दिसंबर को वह बोर्ड के समय समक्ष पेश हुआ वहाँ अधिकारियों ने मूल दस्तावेजों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की इस पर नितेश ने बताया कि उसने भर्ती के लिए अजय चौहान को पंद्रह लाख रुपए दिए थे अजय ने उसके मूल दस्तावेज भी रख लिए थे वह साढ़े तीन लाख रुपए की और मांग कर रहा था इसीलिए फोटोकॉपी के सहारे में शामिल हुआ था मतलब ये आप देख सकते हैं 120 अभ्यर्थी और गिरफ्तार हो चुके हैं मतलब इस भर्ती का सब कुछ हो चुका है 99% परसेंट काम इस भर्ती का हो चुका है अब केवल और केवल ट्रेनिंग पर जाना है छात्रों को और अब भी 120 छात्रों का मिल जाना ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों इसमें हर गलत छात्र को अभी तक बाहर नहीं किया गया है इससे एक बात एकदम साफ हो जाती है ठीक है रही बात दोस्तों लेखपाल भर्ती की जब यूपी दरोगा भर्ती में इतना कुछ होने के बाद सब कुछ फाइनल होने के बाद आज भी छात्र पकड़े जा रहे हैं तो लेखपाल और फिर भी ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हुई तो लेखपाल की परीक्षा रद्द कैसे हो जाएगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है तो मुझे तो लगता नहीं है इन सब बातों को देखते हुए कि लेखपाल की परीक्षा सरकार कैंसिल करेगी और दोबारा परीक्षा कराएगी मुझे बिल्कुल भी कतई भी ये बात नहीं लगती सरकार जितना हो सकता है यूपीटरपलस्सी जितना हो सकता है एस जितना हो सकता है गलत छात्रों को बाहर करने का प्रयास करेगी लेकिन हर गलत छात्र बाहर कर देगी वो ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर मैं भी सवाल उठाता हूँ क्या एक एक गलत छात्रों को लेखपाल भर्ती से बाहर कर देगा सर यूपीट्रपल ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों अगर हम मान के चलें कि लेखपाल भर्ती में आठ हज़ार पचासी छात्रों में से इतनी वैकेंसी हैं अगर 100 डेढ़ सौ छात्र भी गलत हुए तो इस पर भी मेरिट का फर्क पड़ता है ठीक है क्योंकि ये 100 डेढ़ सौ छात्र कम से कम पचानवे नंबर वाले होंगे तो इससे कट ऑफ बढ़ती है ठीक है अगर यू इतने लास्ट में बच गए तो और कुछ यूपिटर प्लेसी और एस अलग भी करेगी तो देखिए क्या हो देखने वाली बात है क्या हो गया है लेकिन मुझे लगता नहीं कि यूपीटर प्लेसी या शासन इस भर्ती को रद्द करेगा ये भर्ती आगे आपकी बढ़ेगी ठीक है खैर दरोगा भर्ती में जो भी हुआ और आज भी इसमें गलत छात्र हैं जो पंद्रह लाख रुपए देकर नौकरी ले चुके हैं उन्होंने और जितने भी गलत छात्र इस भर्ती में हुए थे सरकार का प्रयास यही था कि हर गलत छात्रों को बाहर किया जाए और उन्होंने बाहर किया है और फिर आज इसमें एक छात्रों को बाहर कर दिया गया ठीक है तो देखने वाली बात हो दोस्तों क्या होगी देखते हैं बाकी लेखपाल भर्ती पर जो है आपका जनवरी में काम शुरू हो जाएगा और इसका परिणाम भी आपको जनवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा यह खबर है यूपी ट्रपल की लेखपाल भर्ती को लेकर और आपकी दरोगा भर्ती को लेकर और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जयन जय भारत